मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी चीजें हमें लोगों को चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है और चैप्टर में क्या क्या थीम होती है। देखिए, सबसे पहले आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप प्लांट्स के एक्सटर्नल अपियरेंस की बात करेंगे, यानी कि बाहर से देखने में प्लांट्स कैसे दिखते हैं, कैसे लगते हैं और उनमें कौन कौन से कलर्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इन सब की बात हम बाहर से एक्सटर्नल अपियरेंस की बात मॉर्फोलॉजी के अंडर करते हैं। यहां पे हम लोग मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले बात करेंगे रूट्स की और उसके टाइप्स की, कि रूट्स क्या होती हैं। तो अगर आपने रूट्स के बारे में पढ़ा हो कभी, तो सीड से जो बेसिकली सीड होता है, सीड से जो रेडिकल होता है उसके पार्ट से जो कुछ भी निकलता है उसे रूट कहते हैं। यानी रेडिकल से जो जर्मिनेट होके, सीड जर्मिनेट करके रेडिकल से जो पार्ट बनेगा वो रूट होगा और प्लेम्यूल से जो पार्ट बनेगा वो स्टेम होगा। तो हमें रूट के बारे में और साथ ही साथ हमें स्टेम के बारे में यहाँ पे जानकारी लेना है, वो भी डिटेल में, कि रूट्स क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, स्टेम क्या होते हैं, कितने टाइप के यानी कि मॉडिफिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो बेसिकली रूट्स जो होती हैं वो रेडिकल से निकलती हैं और तीन टाइप की यहाँ पे रूट्स होंगी। हम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, डिटेल वर्जन एनसीईआरटी के अलावा जो नीट लेवल पे आपकी बाकी बातें होंगी उनको इंडिविजुअल वीडियोस बनाएंगे टॉपिक्स के ऊपर, वहां डिस्कस करेंगे। यहाँ बस जनरल एनसीईआरटी की थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे, इंट्रोडक्शन है क्योंकि इंट्रोडक्टरी ये चैप्टर की क्लास है। तो रूट्स में जो रूट्स होती हैं उनके टाइप्स तीन तरीके के होते हैं, एक एडवेंटिशियस रूट्स, दूसरी टैप रूट्स और फिर फाइब्रस रूट्स। तो टैप रूट सिस्टम जो होता है, जब नीचे रूट निकलती है डाइकॉट में बेसिकली टैप रूट्स देखने को मिलते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स जो स्टेम के नीचे से या कहीं दूसरी जगह से अराइज होंगी, तो जैसे आपने देखा होगा कि स्टेम चल रहा है और इसकी ब्रांच से यहां से नोड से रूट्स निकलने लगती हैं। तो अगर रूट्स नोड से निकल रही है, ऊपर लीफ निकल रही है, तो इस तरीके की रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए फाइब्रस रूट्स, तो स्टेम अगर आपने देखा हो गन्ने का यानी शुगर केन का, तो उसमें नीचे की तरफ यहां से इस तरीके से रूट्स निकलती हैं, तो इस तरीके की रूट्स फाइब्रस रूट्स कहलाती हैं क्योंकि स्टेम के जस्ट नीचे से निकल रही हैं और इसमें कोई प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी रूट नहीं होती है, लाइक टैप रूट सिस्टम। क्लियर? तो ये तीन तरीके की रूट्स हो गई। रीजन्स की बात करिए तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे रूट्स के अलग अलग रीजन मिल जाएंगे, कि यहाँ पे प्रोटेक्टिव रीजन है, रूट की कैप मिल रही है, फिर मेरिस्टमैटिक रूट रीजन है, फिर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, इस तरह से इसके अलग अलग रीजन्स मिलेंगे आपके रूट्स में। इसके बाद मॉडिफिकेशन की बात कर लो तो प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, इस तरीके के मॉडिफिकेशन आएंगे कि रूट्स किस तरीके से मॉडिफिकेशन हो रहे हैं। बेसिकली मॉडिफिकेशन प्लांट्स में रूट स्टेम के और लीफ के क्यों हो रहे हैं, कुछ पर्पस हैं प्लांट्स के, जैसे कि प्रोटेक्शन और खाना बनाना और अपना फूड स्टोरेज करना, तो इस तरीके से, या फर्टिलाइज या आगे की तरफ उसको रिप्रोड्यूस करना, ये सारे उसके कुछ पार्ट पार्ट है। रिप्रोडक्शन का पार्ट अगर प्ले करेगा तो रूट जो है फॉर मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन, मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज, मॉडिफाइड फॉर प्रोटेक्शन, तो ये मॉडिफिकेशंस हम रूट्स में देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम स्टेम की बात करें तो स्टेम क्या होता है, जो प्लेम्यूल से बनेगा, सीड के प्लेम्यूल से जो पार्ट बनेगा एम्ब्रियो के, तो वो बात होगी स्टेम की, उसे स्टेम कहेंगे। स्टेम भी कई तरीके के हो सकते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, सेमी अंडरग्राउंड स्टेम और पूरे के पूरे एरियल बाहर की तरफ दिख रहे हैं। रूट स्टेम जो है वो हर्ब, श्रब्स और ट्रीज, तीन टाइप के भी हो सकते हैं। बड़े बड़े स्टेम जो होते हैं वो ट्रीज में मिलेंगे, हर्ब्स जो होती हैं जो उसमें लाइट डेलिकेट स्टेम होता है, और श्रब्स में स्ट्रांग होता है बट लंबाई उसकी कम होती है। इसके अलावा लीफ की बात करी जाए तो लीफ भी ऐसे ही एक पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस को का रोल प्ले करती है इन जनरल। देखिए, स्टेम भी मॉडिफाई होगा फॉर प्रोटेक्शन पर्पज, फॉर रिप्रोडक्शन पर्पज, एज वेल एज फॉर स्टोरेज पर्पज। जैसे कि आलू यानी कि पोटैटो, उसमें क्या होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम है और वो मॉडिफाई हो रहा है फॉर स्टोरेज एज वेल एज रिप्रोडक्शन पर्पज। इसके बाद यहाँ पे बात करें लीफ की, तो लीफ जो होती है वो भी आप सभी ने देखी होगी, लीफ जो होती है इसमें एक मिडरिब होती है और इसमें वेन्स निकलती है। तो लीव्स के अंदर जो वेन्स निकल रही हैं उन वेन्स के अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। जो ये वेन्स हैं ये रेटिकुलेट और पैरेलल दो तरीके का वेनेशन हो सकता है। कितने टाइप की, दो तीन टाइप की लीफ, यानी सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, दो तरीके की लीफ मिल रही है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ।
इसके अलावा सिंपल लीफ को और फर्दर बांटा गया, कंपाउंड को और आगे बांटा गया, फिलोटैक्सी यानी लीफ का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर, या अल्टरनेट निकल रही है या ये ऑपोजिट निकल रही है या ये वर्ल्स की फॉर्म में है, एक ही जगह पे कई छल्ले निकल रहे हैं वर्ल्स की फॉर्म में, तो अल्टरनेट अपोजिट वर्ल्स, इस तरीके से फिलोटैक्सी में हम लोग बात करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की बात करी जाए कि लीफ किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगी, तो आपको बताया अभी हमने कि फॉर पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन, फॉर पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन और स्टोरेज, इस तरीके से लीफ भी मॉडिफाई हो जाएगी। जैसे अगर आप बात करें कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उसमें लीफ जो है वो स्पाइनी हो जाती है, स्पाइनी होने से क्या होता है कि उसमें वो ट्रांसपिरेशन को कम कर देगी यानी लॉस ऑफ वाटर को कम कर देगी, इस वजह से ये स्पाइनी हो रही है। ठीक है, अब बात करेंगे इनफ्लोरिसेंस की। इनफ्लोरिसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन प्लांट। ठीक है, प्लांट के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कहलाता है इनफ्लोरिसेंस। अब किस तरीके से ये है? रेसिमोस और साइमोस, यानी कि अगर आपका स्टेम बढ़ता चला जा रहा है, एक प्लांट एक फ्लावर इधर निकल रहा है, किधर निकल रहा है, किधर निकल रहा है, तो ये रेसिमोस है। अगर एक टर्मिनल फ्लावर निकल गया और स्टेम की ग्रोथ को रोक दिया और इसके बाद बाकी फ्लावर्स नीचे से निकल रहे हैं तो ये साइमोस कहलाएगा। इसके अलावा इसके और भी आगे मॉडिफिकेशन होंगे जो हम डिटेल वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं अगला फ्लावर आता है, तो फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप फ्लावर देख सकते हो। एक फ्लावर में कैलिक्स होता है, बाहर की तरफ कैलिक्स होते हैं। पार्ट्स की बात करो तो कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम और गायनोशियम। तो बाहर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर्स आपको मिल रहे हैं ये आपके कैलिक्स हो गए। इसके बाद अंदर की बात करो तो ये हो गया कोरोला और फिर ये एंड्रोशियम की बात कर रहे हैं। तो ये मेल फ्लावर है, सिंपल एक फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, इसमें गायनोशियम यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया कैलिक्स, फिर ये कोरोला और फिर ये एंड्रोशियम। इनकी यूनिट्स भी होती है, कैलिक्स की यूनिट कहलाती है सेपल, कैलिक्स की यूनिट कहलाती है सेपल, कोरोला की पेटल, एंड्रोशियम की स्टैमेन और गायनोशियम की कार्पल या पिस्टल, कार्पल या इसी को पिस्टल भी बोलते हैं। तो अगर बात करी जाए सेपल्स, तो सेपल्स अगर अलग अलग होंगे, सेपरेट होंगे, तो उसे कहेंगे पॉलीसेपेलस कंडीशन, यानी सेपरेट है। यहां पे देखिए सेपल्स आपको दिखा देते हैं, देखिए जो ये पूरा एक वर्ल्ड है, ये पूरा वर्ल्ड ये कैलिक्स है और इसमें जो इंडिविजुअल एक एक है ये सेपल इसके दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के पोर्शन ये सेपल है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करो तो ये आपका पेटल है, एक पेटल है और सब मिला के कहलाता है कोरोला। ठीक है, सबको मिला देंगे पांच के पांचों को तो कोरोला, एक टूट गया पांच के पांचों को मिला देंगे तो कोरोला। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये आपका एंड्रोशियम हो गया मेल पार्ट, और फीमेल पार्ट यहाँ पे है नहीं क्योंकि ये मेल फ्लावर है कुकुरबिट का। ठीक है, इसकी वीडियो आपको अलग मिल जाएगी, कुकुरबिटा फ्लावर की पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, अलग से आप देख सकते हैं। तो ये फ्लावर की पूरी वीडियो आपको बाद में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे फिलहाल में आप देखिए तो ये कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम और गायनोशियम का पार्ट होता है, तो ये पार्ट यहाँ पे मिलेंगे। अगर ये कोरोला देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सेपल्स एक दूसरे से अगर जुड़े हुए हैं, पेटल्स ये देखिए एक पेटल ये है, दूसरा ये है, ये तीसरा है, देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए। फ्यूज अगर होंगे तो गैमोपेटेलस, और अगर फ्री होंगे तो पॉलीपेटेलस कंडीशन मिलेगी। ऐसे ही कैलिक्स अगर फ्यूज हैं तो गैमो सेपेलस, और अगर ये फ्री होंगे तो पॉलीसेपेलस कंडीशन। यहाँ आपको पॉलीसेपेलस मिल रही क्योंकि ये फ्री हैं, अलग अलग हैं। क्लियर है? तो ये आपका हो गया फ्लावर का पार्ट। प्लेसेंटेशन यानी ओवरीज का, ओवरी में ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कहलाता है प्लेसेंटेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। मेरी फ्लावर वाली जो वीडियो होगी कुकुरबिटा के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां पे फ्रूट देख सकते हैं किस तरीके इसका दिखता है और कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद बात करें सीड की, तो फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, और सीड अगर दो कॉटिलेडन वाला है तो डाइकॉट सीड, और अगर एक कॉटिलेडन वाला है तो उसे मोनोकॉट सीड कहेंगे। इसी के साथ साथ चैप्टर में आपको डिफरेंट टाइप की फैमिलीज की बात होगी कि मालवेसी, पेपिलियोनेसी, फेबेसी, लिलियेसी, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। वो बातें आपकी फैमिलीज अलग से हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से फैमिलीज को हम लिखते हैं, कैसे फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग उसमें बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये एक जनरल इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि मॉर्फोलॉजी में असल में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ के लिए इतना ही रख रहे हैं, इसके बाद डिटेल वर्जन आप बाद में देख सकते हो जिसमें आप रूट्स, स्टेम और लीफ को अलग अलग
पढ़ोगे, उसके बाद आप फ्लावर्स और इन्फ्लोरिसेंस और मॉडिफिकेशंस इनके पढ़ोगे, तो अलग अलग वीडियोस आप देख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे ही मेरी अगली वीडियोस आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और दूसरी बात, अगर इसके आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए हैं तो आप यहाँ पे ये जरूर देख लें कि टेलीग्राम के ऊपर आपको बायोलॉजी बाय यासीन सर पे जाना है और वहां सर्च करना है तो आपको पीडीएफ नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम के ऊपर ताकि आपको वहां पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस के लिए आपको क्विजेस मिलती रहे। ओके।